बताइए ना भाई जान, आप अकेले कैसे आएंगे? अयान, या फिर मैं आपके साथ चलूं? नहीं, या फिर आप हमारे साथ चलिए। अर्ज किया है, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, अपनी ही शादी में दूल्हे कभी जाते अकेले हैं? कम ऑन भाई, चलिए ना हमारे साथ। अयान, शायरी का खून करना बंद करो, गाड़ी में बैठो, लड़कियों को हम अकेला नहीं जाने दे सकते, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। क्यों, अम्मी ने भी हाँ कह दी, चलो ना साथ में चल लो। बाय। आई वो जो लाल कलर के डब्बे हैं उनको अलग रखना, जो हरे वाले हैं वो अलग, ठीक है? अच्छा सुनिए, स्नैक्स सबको गरम गरम ही सर्व करने हैं, प्लीज। सबको गरम गरम दे दिया जी। और सुनिए, मौलवी साहब आए हैं, उनको प्लीज देखिए क्या चाहिए, ठीक है? ओके फाइन। और नजमा, जोया कहाँ है, असद कहाँ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अम्मी काम डाउन, रिलैक्स। ओके, जोया की आप उनको तैयार करके बस लाती होंगी, और भाईजान भी बस आते होंगे। आप एक काम कीजिए, आप ना गेट पे जाके सबको वेलकम कीजिए, सारे गेस्ट आपको पूछ रहे थे। अच्छा, एंड मनमोदी स्माइल, काम डाउन, स्माइल, काम डाउन, ओके गो। आज के दिन दूल्हे को अकेले नहीं जाना चाहिए। चलो, तुम गई नहीं अभी तक। आपको बताया तो कि क्यों नहीं गए? आज के दिन हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ नहीं, आज से आप पर किसी और का हक होगा ना, हम तो पराए हो जाएंगे। दोस्त कभी पराए नहीं होते, और हम आपको कभी पराया होने भी नहीं देंगे। चले, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और सोया भी। पहले भी आप खामोश थे और आप आज भी खामोश हैं। अब पता चला आपका अपना बेटा आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? अगर आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप यहां, आपको तो किसी ने बुलाया नहीं। जानता, बिना बुलाए आने वालों की इज्जत नहीं हुआ करती, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यहां आने के लिए मुझे किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। मेरा हक है, लेकिन आज मैं यहां एक फर्ज निभाने आया हूं। आज तक अपने बेटे के लिए मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आज आज उसके सर पे सहरा बांधना चाहता हूं। देखिए, ये ठीक कह रहे हैं पप्पी, मेरे अब्बू तो मेरे निकाह में शरीक नहीं हो सके, पर मैं चाहती हूँ मिस्टर खान की अब्बू को ये मौका जरूर दिया जाए।
दुनिया का हर बाप अपने बेटे के निकाह में शामिल होना चाहता है फूफी, तो ये खुशी हम मिस्टर खान के अब्बू से क्यों छीने? शुक्रिया। और मैं यहां सिर्फ असद के लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए भी आया। तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। अरे भाई, तुम हमारी बहू बनने वाली हो तो बहू बुलाएंगे ना? असद कहाँ है? अच्छा हुआ तनु ने याद दिला दी कि मुंह दिखाकर तोहफा भी देना होता है। तनु, तनु, ओ मेरे शौहर, अब वो हमें मारना चाहता है जब भी। तनु, भीड़ में
अपना दिल सूफी सूफी बना दिल सूफी 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 परेशान किया है तो आज के दिन उनका तुम्हें परेशान करना बनता है कि नहीं बनता है? Oh, really? देखो रॉबर्ट, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं निकाह के बाद तुम्हारे भाईजान को बिल्कुल भी तंग ना करूं, तो चुपचाप उन्हें फोन करो और कहो जल्दी से आए, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है अभी करता हूँ, ठीक है? ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। हो कर दे सकता हमें एक झलक कम से कम। आयान जी, क्या हुआ? आयान फोन ही नहीं उठा रहे हैं। प्लीज ट्राई करते रहो। जी Yeah.
पीछे है अच्छा सब ठीक तो है ना अर्जुन अर्जुन जोया असद ने फोन नहीं उठाया नहीं पुप्पी पहले तो रिंग भी जा रही थी अब तो नॉट रीचेबल है असद अभी दवाई के असर में इसके जहन में जो तुम कहोगी जो तुम बोलोगी वही सब होगा ये तुम्हारी बात मानेगा इसके होश में आने में अभी बहुत वक्त है तो फिर इसकी बेहोशी का फायदा उठाओ खोलिए मिस्टर खान मिस्टर खान जी मिस्टर खान हमारा निकाह हो चुका है मिस्टर खान आई लव यू मिस्टर खान Yeah.